सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है, नॉलेजेबल है और हर एक जगह पे हर एक चीज़ जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो इसी पे बेस्ड है, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस पे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं प्रशांत एमी हैप पे, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं पैसिफिक अकेडमी 001 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। यहाँ पे हमारी जैसे ये हमारी सिंपल सा व्हील एंड एक्सल, रेलवे एक्सल व्हील की असेंबली है। यहाँ पे हमारी एक ये शाफ्ट है और ये हमारा क्या है, व्हील है, और ये शाफ्ट जो है इस व्हील में अटैच हुई है। ठीक, तो ये किस तरीके से अटैच हुई है, किस तरीके से फिट की गई है, ये सारा कुछ हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पिस्टन असेंबली है, पिस्टन सिलेंडर असेंबली, यहाँ पे भी ये क्या है, पिस्टन जो है फ्रीली इसमें मूव कर रहा है, अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट हो रहा है। ये भी किस तरीके से पॉसिबल है, किस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, उस सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बने रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में। अगर लिमिट्स के बारे में बात करें तो अभी क्या हम लोगों ने रेलवे व्हील का देखा था, तो कुछ ये हमारा व्हील था और बीच में हमारी कुछ होल प्रोवाइड कर रखा था, इसी में हमारी क्या है एक्सल जो है, जो व्हील का एक्सल था वो इसी में फिट था। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये हमारी कोई शाफ्ट है और ये हमारा कोई होल है। अब ये शाफ्ट एंड होल का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से हमें रखना है, क्योंकि देखो कंप्लीट आपको किसी भी डायमेंशन को कंप्लीट आप प्रोड्यूस करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें पर मान लो हमें कोई 25 डायमीटर का शाफ्ट को मेंटेन करना है या 25 mm का होल हमें कट करना है ड्रिल वगैरह से, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो ये हमें एक्यूरेट 25 mm प्रोड्यूस करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, मान लो 100 प्रोडक्ट में एक दो प्रोडक्ट भले हम लोग 25 के बना लें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक लिमिट्स रख देते हैं कि 24.90 से लेके 25.10 तक कि हमें शाफ्ट क्या है प्रोड्यूस करनी है। तो ये इसके बीच की जो रेंज है ये सारी हमारी एक्सेप्टेबल रेंज है, इसमें हम लोग क्या है कि आराम से इस रेंज में है, तो यानी हम लोग उससे आगे उसको फिट कर सकते हैं, उसको होल के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके हमारा होल जो है उसकी भी रेंज हम लोग रख देते हैं 24.80 से लेके 15.05 तक। ठीक, तो यानी इस रेंज के जितने भी होल एंड शाफ्ट हैं वो हमारे लिए क्या हैं, हम लोग उनको आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट अगर 25 एम एम आपको बनाना हो तो ये मशीनिंग करते समय बहुत ही इम्पॉसिबल रहेगा, इसीलिए हमारी ये लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस है। ठीक है, तो लिमिट्स जनरली यही जो मैंने आपको रेंज बताई है इसी के बीच की जो रेंज है इसी को हम लोग जनरली लिमिट्स बोलेंगे। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा एक होल है। ठीक, ये होल है। ठीक, अब इस होल में क्या है कि होल का जैसे बेसिक साइज मैंने बता दिया था, जैसे 25 mm रखना है। ठीक, ये हमारा हो गया बेसिक साइज। ठीक, यानी बेसिक साइज हमें क्या है 25 mm, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस माइनस की जो भी लिमिट होगी वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा होल था, होल में हम लोगों ने प्लस माइनस 01 दे दिया, यानी हमारी अब क्या है लिमिट जो है वो 25.0 से लेके 44.99, यानी इसके रेंज में अगर हम लोग होल को होल का डायमीटर मेंटेन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक, तो ये 25 तो था हमारा बेसिक साइज था, लेकिन 25.01 से लेके ये इसके बीच को इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी जो है ये मैक्सिमम जो कंडीशन है, मैक्सिमम है मैक्सिमम होल का साइज हम लोग कितना रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा है मैक्सिमम होल साइज, तो मैक्सिमम लिमिट हो गई ये होल की। इसी तरीके से मिनिमम होल साइज हम लोग कितना रख सकते हैं, 24.99, यानी ये हो गई हमारी मिनिमम होल साइज। ठीक है, यानी इससे नीचे हमें होल नहीं कट करना है, 25.01 से ऊपर हमें होल नहीं डाया मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, टॉलरेंस। आगे मैं एक एक करके टॉलरेंस भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम लिमिट थी और मिनिमम लिमिट थी इसी को हम लोगों ने दे दिया, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट। ठीक है, और जो हमारी अपर जो हमारा बेसिक साइज के ऊपर जितना गए थे मैक्सिमम कंडीशन को अचीव करने के लिए वो हमारा था
एक्सट्रीम कंडीशन जो थी वो हमारा था अपर डेविएशन, और जो लोवेस्ट कंडीशन थी वो हमारा था लोअर डेविएशन, ठीक है, यानी कितना हम लोग उससे शिफ्ट हुए। इसी तरीके ये हमारी जनरली जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन का मतलब हमारा बेसिक साइज, बेसिक साइज हमारा कितना था 25 mm, ठीक है। फंडामेंटल डेविएशन का होगा, जैसे अगर होल की बात करें तो इन दोनों में जो लोअर होगा, कहने का मतलब अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन में जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारा होगा फंडामेंटल डेविएशन। अब आ जाते हैं हम लोग शाफ्ट के, शाफ्ट पे, शाफ्ट में भी यही है, शाफ्ट का हमारा एक बेसिक साइज होगा और हम लोग जो शाफ्ट की मैक्सिमम कंडीशन यानी मैक्सिमम डाया कितना हम लोग शाफ्ट का मेंटेन कर सकते हैं वो हमारी होगी मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट, और मिनिमम हम लोग शाफ्ट का कितना डाया मेंटेन कर सकते हैं वो होगी हमारी मिनिमम लिमिट। इसी तरीके से जिसे आप देख रहे हैं ये हमारी मिनिमम लिमिट हो गई, यानी ये हमारा हो गया डाया मान लो 24.99 और ये डाया हमारा 25.01, ठीक। तो ये हमारा होल हो गया, शाफ्ट हो गई जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन। अब देखो इन्हीं दोनों की होगी असेंबली, यानी हम लोग जब होल और शाफ्ट के दोनों डायामीटर उठाएंगे और उनको असेंबल करेंगे तब हमें मिलेगी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिट्स। जब ये होल और शाफ्ट का मेंशन होगा, जिसे मैंने इसमें आपको ऑलरेडी दिखा रखा है कि ये हमारा होल था और ये हमारी शाफ्ट थी, तो इनके बीच में ये गैपिंग है, कभी क्या होगी शाफ्ट का डायमीटर बड़ा होगा होल का डायमीटर छोटा होगा, तो इनके बीच में क्या होगा इंटरफेरेंस हो जाएगा यानी टाइट फिट हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्लियरेंस है तो ये इजिली मूवमेंट कर सकती है, तो इन्हीं को जो ये आपके डिग्री ऑफ लूजनेस एंड टाइटनेस है उसी को हम लोग बोलते हैं फिट्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि आपको सारे ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नॉमिनल साइज जनरली इट इज़ ए नेम ऑफ बॉडी, जिसे हम लोग क्या है सिंपल सा दे देते हैं ना कि इतने mm का पाइप, इतने mm की थ्रेड्स बनाना है, M10 mm का थ्रेड्स है, ठीक है, M10 mm का होल रखना है, तो ये हमारा सारा कुछ है नॉमिनल साइज, ठीक है, इसको हम लोग नॉमिनल साइज। बेसिक साइज जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि हमें क्या है कि एक साइज रखना पड़ेगा जिसके ऊपर नीचे हमें आसपास जो वैल्यू है वो हमारे कंसीडर होगी, ठीक है। तो इट इज़ द साइज ऑफ जॉब इन रिलेशन टू विच आर लिमिट्स और वेरिएशन आर डिटरमाइंड, यानी हमें जैसे मैंने बता दिया 25, इसके ऊपर हम लोग जितनी लिमिट्स लगाएंगे वो तो हमारी रेंज हो गई, ये हो गया हमारा बेसिक साइज, यानी हमें पहले डायमीटर जो है वो 25 के करीब ले जाना है, इसके बाद हम लोग इसको अलाउ करेंगे ताकि वो उतना मेंटेन बना रहे, ठीक। इसी तरीके अगर हम लोग जीरो लाइन की बात करें तो जीरो लाइन ये क्या है जनरली लाइन जो है जो बेसिक साइज से हमारी, जैसे हम लोगों का ये डायमीटर था ये 25 था, तो ये जो लाइन थी 25 mm पे जो हमारा इसको हम लोगों ने बोल दिया क्या जीरो लाइन, ठीक। इसी तरीके अगर आगे बढ़ें तो अपर डेविएशन जैसे मैंने बता दिया कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, मैक्सिमम लिमिट मैंने जैसे मान लिया 25.0 और बेसिक साइज हमारा, तो अपर डेविएशन कितना हो गया 0.01, तो मैक्सिमम जो कंडीशन थी और उसमें हमारी बेसिक साइज में तो हम लोग डिफरेंस निकाल दिया तो हमारा हो गया अपर डेविएशन, ठीक। इसके बाद बेसिक शाफ्ट बेसिक होल क्या, इसी तरीके लोअर डेविएशन जो हमारी लोअर लिमिट थी यानी हमारा बेसिक साइज जो था उसमें लोअर लिमिट को हम लोग जब माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा लोअर डेविएशन, जीरो लाइंस के जो नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा जो भी है वो हमारा लोअर डेविएशन होगा, ठीक। तो बेसिक शाफ्ट की अगर बात करें, जब हम लोग बेसिक शाफ्ट सिस्टम लेंगे आगे तो वहाँ पे हम लोग जब डिस्कस करें तो वहाँ का जब बेसिक शाफ्ट सिस्टम लेके चलेंगे तो वहाँ पे अपर डेविएशन जो है उसको जीरो रखा जाता है, यानी मैक्सिमम लिमिट साइज जो है वो हमारी शाफ्ट के लिए बेसिक साइज रहेगा, यानी 25 का हमारा मैक्सिमम जो हम लोग मेंटेन करना, अगर हम लोग बेसिक शाफ्ट सिस्टम लेके चल रहे हैं तो डायमीटर हमारा कितना मेंटेन करना 25 मैक्सिमम, उसके नीचे हम लोग लिमिट जो भी लगाएंगे उसके हिसाब से रखेंगे। अगर हम लोग बेसिक होल सिस्टम लेके चलेंगे तो वहाँ पे लोअर डेविएशन हम लोग यानी इससे छोटा होल नहीं बनाना है, उससे बड़ा होल हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, यानी उसका लोअर डेविएशन जो है वो जीरो रहेगा, ठीक है, यानी मिनिमम कंडीशन जो है वो हमारी बेसिक साइज के बराबर होगी। और टॉलरेंस जो है इन्हीं का मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, जो हमारी मैक्सिमम लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट हमारी जिसे 24.01 दे रखी थी, मिनिमम लिमिट कितनी है 24.99, तो इन्हीं के बीच का जो डिफरेंस है ये है हमारा क्या टॉलरेंस, ये हमारा क्या है टॉलरेंस है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जब टॉलरेंस हमारा उसी हमें फिट्स मिलेंगे, ठीक। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे लिमिट्स मैंने बता दिया, एक्सट्रीम जो परमिसिबल कंडीशन है, जो भी हम लोग मेटल को अगर कट करेंगे वो हमारी क्या होगी लिमिट्स होगी, ठीक है। इसमें अपर लिमिट जो मैक्सिमम साइज होगा उसको अपर लिमिट बोलेंगे, जो
मिनिमम साइज होगा वो हमारी लोअर लिमिट होगी, ठीक। तो ये और जो अपर लिमिट और इनके लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा क्या, वो हमारा था टॉलरेंस अपर और लिमिट के बीच। लेकिन अलाउंस क्या है, अलाउंस के बारे में भी आगे बात कर लेते हैं, ठीक। तो क्या है टाइप्स ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस दो तरीके के होंगे, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। टॉलरेंस जैसे हमारे कोई शाफ्ट है, सिंपल सी ये शाफ्ट है, इसका बेसिक साइज 25 था, अपर लिमिट हम लोगों ने रख ली 25.01, ठीक, और लोअर लिमिट हम लोगों ने दे दी 24.99, ठीक। तो ये जो है ये क्या किया, बेसिक साइज के नीचे भी आ गए और ऊपर भी चले गए, तो ये क्या हो गया हमारा बाइलैटरल, यानी दोनों साइड दे दिया हम लोगों ने, तो ये होगा हमारा बाइलैटरल। अगर हम लोग केवल 25.01 ये हम लोअर लिमिट रखते हैं और 25.02 ये हमारी अपर लिमिट रही थी, तो ये हमारा हो जाता यूनिलैटरल। यानी सिंपल सा इसमें हम भी समझ सकते हैं कि हमारा क्या है कि एक ही साइड या तो हमने प्लस में दे दिया या फिर जीरो लाइंस के नीचे दे दिया फिर ऊपर, तो ये हमारा रहेगा यूनिलैटरल, ठीक है। किसी भी एक साइड हम लोग जो भी टॉलरेंस जो भी लिमिट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूनिलैटरल की कैटेगरी में आएगा। अगर हम लोग दोनों साइड प्रोवाइड कर रहे हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जीरो लाइन के ऊपर भी ले जा रहे हो नीचे भी, तो वो हमारा रहेगा बाइलैटरल, ठीक है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अलाउंस। अलाउंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टॉलरेंस और अलाउंस में इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखो टॉलरेंस हमारा क्या था, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच में डिफरेंस, लेकिन अलाउंस क्या, इट इज़ द इंटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द होल एंड शाफ्ट, यानी शाफ्ट और जो आपकी होल थी इनकी जो मैक्सिमम और मैक्सिमम मेटल कंडीशन और मिनिमम मेटल कंडीशन थी उनके बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा था अलाउंस, ठीक है। यानी जब हम लोग होल एंड शाफ्ट का मेटिंग कराएंगे तो उनमें जो हमारे मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन होगी दोनों के बीच की, यानी होल का साइज मैक्सिमम साइज कितना ले सकते हैं, मान लो ये होल है हमारा 25.01 का, और मैक्सिमम शाफ्ट का साइज हम लोग कितना ले सकते हैं, ये हमारा मान लो 25.005 का है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों की मैक्सिमम मेटल कंडीशन में, ये है अलाउंस। टॉलरेंस जनरली हम लोग कंसीडर कर रहे थे या तो होल के लिए या तो फिर शाफ्ट के लिए, लेकिन ये दोनों के लिए है, ठीक। इसी से ही हमारा क्या है, दोनों चीज़ें पता चलेंगी। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन फॉर होल इज़ मिनिमम लिमिट, हम लोग क्या है जो होल है उसके लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या रखेंगे, होल कब माना जाएगा, जब होल में मैक्सिमम मेटल कब होगा, जब होल का डायमीटर कम होगा। जब जब हम लोग होल को बोरिंग करेंगे तो क्या होल का डायमीटर बढ़ेगा तो मटेरियल भी तो रिमूव होगा, तो मैक्सिमम मेटल तो रहेगा नहीं, तो जो होल का जो छोटा डाया होगा वो उसकी मैक्सिमम मेटल कंडीशन होगी, और शाफ्ट में जो सबसे ज़्यादा डाया होगा, शाफ्ट में ऊपर मटेरियल लगा इसको रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद क्या ये मेटल रिमूव होगा, तो मैक्सिमम मेटल कब होगा, जो शाफ्ट की अपर लिमिट होगी, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन होगी। इसी तरीके से होल हमारा, अगर होल हमारा जो होल का साइज है वो शाफ्ट से ज़्यादा है तो अलाउंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और होल का साइज जो है वो शाफ्ट से कम है वो हमारा निगेटिव अलाउंस होगा, ठीक है। यानी इसी में हमारे फिट्स आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारी मैक्सिमम मेटल कंडीशन फॉर होल, मैक्सिमम मेटल कंडीशन फॉर शाफ्ट, या होल का शाफ्ट होल का जो साइज़ है वो ज़्यादा है और शाफ्ट का साइज कम है तो ये पॉजिटिव अलाउंस है। अगर शाफ्ट का साइज बढ़ गया होल का साइज़, ये देखो यहाँ पे टाइट फिट हो रहा है वहाँ पे लूज फिट है, ठीक। तो ये हमारे दोनों तरीके के अलाउंस हैं। फिट्स के बाद बारे में बात करेंगे तो डिग्री ऑफ लूजनेस एंड टाइटनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स इज नोन एज फिट्स, ठीक है। तो जो लूजनेस है टाइटनेस है, जब हम लोग होल एंड शाफ्ट दोनों का मैचिंग कराएंगे तो उसमें क्या है लूज, कभी क्या कभी क्या है, जैसे ये हमारी शाफ्ट है इसको इस होल में हम लोगों ने डाला, तो कोई चीज़ जब शाफ्ट आप होल में आप डालोगे तो वो क्या इजली मूवमेंट करेगी, तो यानी वो लूज़ है तभी तो मूवमेंट कर पा रही है। अगर वही चीज़ अगर टाइट हो तो टाइट में क्या है सिंपल सा जाके फिट हो जाएगी, मूवमेंट करेगी नहीं, तो इसी को बोलेंगे फिट्स। तो डिफरेंट टाइप्स की फिट्स होती हैं, जनरली थ्री टाइप्स की फिट्स होती हैं आपकी, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट्स और इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या होगी, जैसे हम लोग देखते हैं क्या ये हमारा होल है, होल का साइज़ बड़ा है शाफ्ट का साइज़ छोटा है, यानी इनके बीच में कुछ क्लियरेंस है, इस टाइप की फिट्स को बोलेंगे क्लियरेंस फिट। यानी हमारी शाफ्ट जो है इजिली मूवमेंट कर जाएगी क्योंकि उसके बीच में क्लियरेंस है, ठीक है। इसके बाद इस तरीके की फिट्स हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्लाइडिंग मोशन कराना और रनिंग फिट कराना और सिंपल सा हमारे गाइड एंड गाइड पिलर गाइड बुश जो भी इनके बीच में भी जो होता है ना, जैसे मैंने अभी पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट दिखाया था उसमें भी क्लियरेंस फिट है तभी तो वो इजिली मूवमेंट कर रहा है, ठीक।
तो यानी हमारे जो शाफ्ट है वो छोटा होना चाहिए या होल हमारा बड़ा है, तो उनके बीच में क्या है क्लियरेंस रहेगा, इसी को बोलेंगे क्लियरेंस फिट। मैक्सिमम क्लियरेंस कब हो सकता है, मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, जब हमारा होल का साइज जो है वो मैक्सिमम हो और शाफ्ट जो है वो छोटी हो, तभी तो मतलब शाफ्ट की जो लोअर कंडीशन है, लोअर लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी कितनी छोटी शाफ्ट हो सकती है, मैक्सिमम होल हम कितना बड़ा ले सकते हो, तो वो मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, जब आपका होल की लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट ऑफ होल एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट आपकी बड़ी है, होल आपका छोटा है, लेकिन उनके बीच में क्लियरेंस है, ये नहीं है कि क्लियरेंस नहीं होगा, क्लियरेंस ज़रूर है, लेकिन हमारा क्या है कुछ मिनिमम कंडीशन पे होल है हमारा और मैक्सिमम कंडीशन पे हम लोगों को साफ, तो मिनिमम क्लियरेंस हो गया। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग ट्रांजिशन फिट के बारे में बात करें, इनमें क्या है, इनमें दोनों तरीके का होगा, क्लियरेंस भी है और इंटरफेरेंस भी है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या, साफ्ट का साइज बड़ा हो गया, होल का साइज हमारा छोटा हो गया, ठीक है, तो दोनों के टॉलरेंस जो हैं साफ्ट एंड होल के टॉलरेंस ओवरलैप कर जाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिशन फिट, ठीक है। तो इस तरीके की फिट्स हमारी कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे हमारे क्या, जैसे नट एंड बोल्ट असेंबली हो गई, जहाँ पे हमारा फोर्स फिट हो गया, पुश फिट हो गया, ठीक, जैसे हम लोग सिंपली रिवेट्स वगैरह के जॉइंट्स करते हैं ना, उस तरीके के फिट्स में भी हमारे क्या है ट्रांजिशन फिट ही आता है, ठीक है। तो फोर्स फिट, पुश फिट, टाइट फिट्स, इस तरीके के फिट्स जब भी होंगे वो हमारे ट्रांजिशन फिट्स में आएंगे। ये हमारी जनरली साफ्ट है, साफ्ट का टॉलरेंस जोन ये है हमारा, ठीक, और ये हमारा होल है, होल का टॉलरेंस, ये जो आपस में ओवरलैप कर गए, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिनिमम कंडीशन में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस भी हो रहा और क्लियरेंस भी है, ठीक, तो इसी को बोलेंगे ट्रांजिशन फिट। इंटरफेरेंस फिट की बात करते हैं, इंटरफेरेंस में फिट में क्या हो गया, साफ्ट का साइज हमारा क्या हो गया बड़ा और होल हो गया हमारा छोटा। अब होल जब छोटा होगा तो टाइट जाएगी ना साफ्ट, तो साफ्ट जब, जैसे हमने अभी असेंबली दिखाई थी रेल के एक्सल की और व्हील की, तो रेलवे में आपका एक्सल होता है और उसमें जो व्हील अटैच होता है वहाँ पे क्या होता है कि हमें वहाँ पे मूवमेंट नहीं कराना है, यानी एक बार फिट कर दिया तो फिट है। अब आपकी ट्रेन चल रही है, चलते चलते क्या, अगर आपने क्लियरेंस फिट रखा होगा तो व्हील उसका कहीं भी होगा और एक्सल कहीं पे होगा, इसीलिए हमें वहाँ पे क्या इंटरफेरेंस फिट रखना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिट में हमारे क्या है, साफ्ट जो है, साफ्ट का साइज़ वो ज़्यादा होगा, होल का साइज कम होगा। अब आप कहोगे साफ्ट का साइज़ ज़्यादा है, होल का साइज़ कम, इंटर कैसे करेगा, तब वहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा हीट कर लेते हैं, हीट करने के बाद इसको हम लोग इजिली होल में असेंबल कर देते हैं और ठंडा होने पर वो उसकी पोजीशन ले लेता है, ठीक है। तो इस तरीके के फिट्स होंगे। मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटरफेरेंस, ये भी कंडीशन है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब हो सकता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमम साफ्ट साइज मिनिमम होल साइज, तो मैक्सिमम हमारा इंटरफेरेंस होगा। मिनिमम इंटरफेरेंस कब हो सकता है, यानी मिनिमम साफ्ट साइज एंड मैक्सिमम होल साइज, ये हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे होल बेसिस सिस्टम क्या है, साफ्ट बेसिस सिस्टम क्या है, इसके बारे में क्लियरली डिस्कस करेंगे। थैंक्स एवरीवन।